तब चलो, एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी है और मेरे बुकलेट में भी है, एक पेज नंबर देखो बुकलेट का 25। अच्छा इधर ये सब तो क्वेश्चन कराया था, जैसे देखो तो बुकलेट में पेज नंबर देखो 14 15 नहीं कराया। अच्छा करवाया था, तुम बताओ। ये तो मैं बोलता था, बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन करना है वो बुकलेट में ही करूँ। सॉलिड, ठीक है। देखो इसमें यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, एफ अपॉन में ए और डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट, ऐसे लिखाया था। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या होता था, एफ एल नॉट और डेल्टा एल ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है, यही होता था। एफ क्या है, फोर्स या टेंशन, ठीक। एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डेल्टा एल क्या है, लेंथ चेंज इन लेंथ, ठीक है, यही इसी पे है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते थे, स्ट्रेन बोलते थे, और इस चीज़ को हम क्या बोलते थे, स्ट्रेस बोलते थे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो ये पेज नंबर देखो, पेज नंबर 14, ये क्वेश्चन कराया था, देख रहा था। अच्छा करो, पेज नंबर 14 पे देखो दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ए सस्पेंडेड वायर इंक्रीज्ड बाई 10^-4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने तो स्ट्रेच किया थोड़ा, तो बताओ ये क्या दिया हुआ है, क्या इसका मीनिंग क्या हुआ। डेल्टा एल की मैंने ठीक से पढ़ो, द लेंथ ऑफ सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाई 10^-4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ए हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 10^-4, समझ रहे हो ना, इतना है। इसमें कहा जा रहा है कि इंक्रीज यानी कि डेल्टा एल इक्वल टू 10^-4 एल नॉट ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ये कहा जा रहा है। तो डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 10^-4, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ओरिजिनल लेंथ व्हेन स्ट्रेस इज, स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेस ये क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, ये 10^ कितना गिवन है, 7, और इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इज अप्लाइड कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन में ए और डेल्टा एल अपॉन में एल। तो एफ अपॉन में ए तो 10^7 गिवन है, और ये 10^ कितना गिवन है, -4 गिवन है, तो ये 10^ कितना हो जाएगा, 11, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होगा नहीं, बुकलेट पे करना है, ठीक है, चलो हाँ बुकलेट पे करना है। मैं थ्योरी लिखाऊं तो ये नहीं कि तुम थ्योरी तुम देखोगे नहीं कि इसमें लिखा हुआ है, उसको कॉपी पे लिखोगे, लेकिन जो क्वेश्चन कराऊँ वो सभी इसलिए पहले बुकलेट में दे रहा हूँ कि अब क्वेश्चन बुकलेट पे ही कर लो। टेस्ट कोई बच्चा तैयार ही नहीं हुआ टेस्ट देने के लिए, अच्छा ये टेस्ट का बात आया तो याद आ गया, कॉपी कितना दिन से रखा हुआ है तुम लोग का टेस्ट चेक रख करके, हाँ और वो तो इसका पता ही नहीं, अच्छा वो आएगी तो वही देखेगी। चलो जल्दी नोट करो उसको,
अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम ईजी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में पेज नंबर 15 पे जो क्वेश्चन है वो देखो, ये करा रखा हूँ क्या क्वेश्चन, ये सब कराया था जी? अच्छा, अब क्वेश्चन 2 है और ये पेज नंबर 15 पे है। देखो दिया हुआ है, ए स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज रेडियस 10 मिलीमीटर, यानी कि रेडियस की बने तुम्हारा 10 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा 10^-2 मीटर हो जाएगा। ठीक है। लेंथ 1 मीटर की बने, इसका एल नॉट कितना की बने, 1 मीटर की बने। गिवन है ए 100 किलो न्यूटन फोर्स, यानी कि एफ कितना गिवन है, 100 किलो, किलो का मतलब क्या, 10^3, दैट इज 10^5 न्यूटन गिवन है। ठीक है। स्ट्रेचेज इट अलोंग लेंथ, कैलकुलेट स्ट्रेस, इलोंगेशन, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस गिवन है। इसमें यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट केस में हमको क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, दैट इज फोर्स और एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। रॉड कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, तो फोर्स भी गिवन है 10^5 और पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 और रेडियस कितना है 10^-2 स्क्वायर करेंगे तो 10^ कितना हो जाएगा -4 और आफ्टर सॉल्विंग इसको लिख लेना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, बी पार्ट में है हमको सॉल्व करना है इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब डेल्टा एल। तो अभी हमने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा था एफ एल नॉट अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल और वाई को इंटरचेंज कर दो, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं डेल्टा एल इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एल नॉट, एफ एल नॉट और ए इंटू क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। और सब कुछ की वैल्यू गिवन है, इसमें गिवन है 10^5 और एल नॉट गिवन है तुम्हारा 1 और यंग्स एरिया गिवन है पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 और रेडियस का स्क्वायर करेंगे 10^-4 और यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 × 10^11 और आफ्टर सॉल्विंग इसको क्या लिख देना है, मीटर। कुछ नहीं, फॉर्मूला पुटिंग है। अब उसके बाद में लिखना है स्ट्रेन, सी पार्ट में स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, तुम बताओ स्ट्रेन का फॉर्मूला। अभी मैं बताया डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट, फॉर्मूला ही याद नहीं है, दो फॉर्मूला याद करना है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्ट्रेस का फॉर्मूला एफ अपॉन में और स्ट्रेन का फिर से बताओ डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट और यंग्स मॉडुलस का क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन में एल। ठीक है। टेन मिलीमीटर है चलो, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट। तो डेल्टा एल तो फाइंड करिए लिए हो और एल नॉट कितना है, 1 मीटर है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो ये हो जाएगा, जैसे डेल्टा एल हमने कर दिया उसमें 1 से डिवाइड करना है, तो 10^5 अपॉन में 2 × 3.14 इंटू 10^ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसको कर देंगे तो 7 हो जाएगा और इंटू 1 कर दो तो ये इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसके बाद में जो भी है सॉल्व कर लेना तुम लोग, ये हो जाएगा स्ट्रेन। कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुटिंग है सभी चैप्टर में, कैलकुलेशन ही थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो है कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग। क्वेश्चन नंबर देखो, एकदम ऐसे भी कर सकते थे तो नहीं।
ये क्वेश्चन क्वेश्चन देखो थर्ड पेज नंबर 16 पे ऑलरेडी मैं कराया था, याद है ये कराया था, तो ये लोग तुम लोग खुद घर से ट्राई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टाइम देखो कितना टाइम हो रहा है, बुकलेट निकालो। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बुकलेट नहीं मिली, कैसे हो सकता है कि बुकलेट मिली। अब तुम लोग करो तो एक क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड करो, थर्ड जो मैं करा चुका हूँ, थर्ड तुम लोग खुद अपने से करो। ये क्लास में मैं कराया था तो तुम सोचो, थोड़ा सोच के करो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का बुकलेट नहीं मिला था, अच्छा कोई बात नहीं, चलो मिल गया। अच्छा बताओ स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताओ, एफ वाई स्ट्रेन का। हाँ हाँ नहीं स्ट्रेस ठीक है, स्ट्रेस ठीक है, डेल्टा स्ट्रेन का भी बताओ, एल नॉट वाई, यंग्स मॉडुलस का बताओ, यंग्स मॉडुलस वाई, तो यही यानी कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, अभी तुम स्ट्रेस बताई थी वही कर दो, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। बस इसी पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे बुकलेट पेज नंबर उस पर देखो, और फर्स्ट क्वेश्चन में कराया हूँ। और कैलकुलेशन तुम लोग घर से करना, उसके बाद में ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं, अभी हो जाएगा तो इसको घर से कर लेना, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें गिवन है व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए वायर, ये नोट कर ली पूरा हो गया, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ का मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इन 200, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एल अपॉन में एल, ये हो गया पूरा। अच्छा तो परसेंटेज चेंज का मीनिंग क्या होगा, परसेंटेज चेंज का मीनिंग होगा चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इन 200, यही फाइंड करना है, यानी कि हमको फाइंड करना है डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट इन 200, यही फाइंड करना है हमको, इक्वल टू व्हाट। तो देखो दिया हुआ है व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ डायमीटर गिवन है, ए स्ट्रेच बाई ए फोर्स गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है। तो पहले इस केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रेन निकालो। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रेन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडुलस
और ये क्या हो, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया इंटू योंग्स मॉडलस, और ये हो जाएगा फोर्स और एरिया क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है इंटू योंग्स मॉडलस, ठीक है। और सब कुछ गिवन है, डायमीटर गिवन है इसका 2.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.25। तो अब इसमें पुट कर दो, फोर्स गिवन है इसमें, फोर्स 100 केजी वेट, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एमजी लिख देते हैं, मास गिवन है तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा एमजी, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा। तो 100 और जी की वैल्यू कितना पुट कर दो, 10 पुट कर दो, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो। देखो 100 केजी वेट गिवन है, किलो गिवन है, हाँ तो 100 केजी, ठीक है। और रेडियस कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर गिवन है तो ये हो जाएगा 1.25, और मिलीमीटर में है तो 10^3 का स्क्वायर कर दो तो पाई आर स्क्वायर आ गया। और योंग्स मॉडुलस गिवन है 12.5 इंटू 10^11, लेकिन ये डाइन पर सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा ऐसे ही में, तब जाके होगा। तो बताओ, हाँ सी जी एस में गिवन है तो कैसे चेंज करेंगे, वन न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, 5 × 10^5, और वन जूल इज इक्वल टू कितना आर्ग, 10^7। तो ये डाइन में गिवन है, ये गिवन है योंग्स मॉडुलस, योंग्स मॉडुलस गिवन है 12.5 इंटू 10^11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको चेंज करो। एक फॉर्मूला होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन, तो इसे चेंज करो तो 1 डाइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डाइन, तो 10^-5 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम लिख देंगे 12.5 इंटू 10^11 इंटू 10^ कितना हो जाएगा -5 न्यूटन हो जाएगा, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर करेंगे तो 10^ कितना हो जाएगा -4, और इसको सोल्व कर लो जो भी है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो कितना आ जाएगा, तो ये 12.5 इंटू 10^10, और आफ्टर सोल्विंग जो आएगा वही यूनिट हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का यूनिटलेस है, तो ये आ गया हमारा डेल्टा एल अपॉन में एल, इतना आ गया। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज, तो डेल्टा एल इंटू, अब इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो तुम लोग सॉल्व करो, तो लिखोगे परसेंटेज यानी कि डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू 100, और ये जो भी सॉल्व करके आता है, जो भी आता है एक्स, उसमें क्या कर दोगे एक्स और इंटू 100। हो गया, बस नोट कर लो और कैलकुलेशन सब घर से करना, अगर पेपर में आ जाए तो बस इतना भी करके छोड़ दो, ऐसे पेपर में आएगा तो थोड़ा इजी कैलकुलेशन देंगे, इतना टफ थोड़ी देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कैलकुलेशन घर से करना, ठीक है ना।
कुछ नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रेस से स्ट्रेन इसी का फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये बताओ, पहले जैसे मान लो कि ये रिंग ऐसे लगा हुआ है, तो इस केस में सबसे मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। इस रिंग में ऐसे लगा हुआ है, अगर मान लो कि वेट यहाँ पे हमने सभी इक्वल स्ट्रेंथ का है, ठीक है, वेट अगर यहाँ पे मान लो कि मैं इंक्रीज करता गया, तो सबसे पहले पहला रिंग कौन टूटेगा? तुम बताओ कौन टूटेगा? सभी इक्वल स्ट्रेंथ का है, तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा, मिनिमम टेंशन कहाँ पे होगा? ये सबका तो कुछ ना कुछ वेट तो होगा, तो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टी होगा पूरे एमजी के चलते होगा, और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा सिर्फ इसके चलते होगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पे मैं वेट इंक्रीज करता जाऊँ, तो सबसे पहले कौन सा रिंग टूटेगा? सबसे पहले ये वाला रिंग टूटेगा, क्योंकि टेंशन सबसे, सभी का मतलब कि स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन इसमें प्रोड्यूस होगा, तो पहले यही टूटेगा। समझ गए? अच्छा, उसके बाद में मान लो कि हमने ऐसे कर दिया, एक रॉड को ऐसे कर दिया ऐसे, तो इसमें बताओ कि सबसे मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा? सब जैसे इस सब का मास हम एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा। तो अगर ये टूटना भी होगा तो कहाँ से टूटेगा, सबसे पहले यहाँ से टूटेगा, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अच्छा चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। समझ में आया कि मैंने क्या बताया कि नहीं, समझे कि क्या किया? समझ में आया कि यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि ये सब, इस सबका मास तो है, सबका मास यहाँ पे है। अच्छा चलो उसके बाद में देखो, दिया हुआ है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए मेटल इज गिवन है, यानी कि इतना स्ट्रेस से अगर स्लाइट हम ज़्यादा कर देंगे तो वो मेटल क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वायर मेड ऑफ दिस मेटल विच मे बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग। मैक्सिमम लेंथ हम कितना यहाँ पे हम कर सकते हैं ताकि ये ब्रेक ना करे, ठीक है। तो बताओ क्या फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम? विदाउट ब्रेकिंग डेंसिटी ऑफ मटेरियल गिवन है और उसके बाद में जी गिवन है, तो हम कितना मैक्सिमम लेंथ कर सकते हैं, कुछ बताओ, इसमें सोचने वाला क्वेश्चन है। डेंसिटी गिवन है तो इसका मास तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा जो कि गिवन है, कि मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका लेंथ मान लो कि एल है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, इसको मास, और रॉड का वॉल्यूम कितना होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हम लेंथ लिख सकते हैं। दिस मीन्स मास इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो ए इंटू एल लिख सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बता दो या सुनो। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा, एम जी के इक्वल टू होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो किसके इक्वल टू होगा? अगर मान लो कि इस चीज़ को हम ऐसे रिप्लेस कर दें ऐसे, और इसका मास एम ले लें, तो ऊपर की ओर टेंशन टी होगा, नीचे की ओर क्या होगा, एम जी होगा, तो यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। रॉड, रॉड मासलेस नहीं है, रॉड का मास हमको, हाँ, तो यही तो मास हमने एम लिखा था, यही तो नहीं, ये कुछ, ये तो मैं एग्जांपल समझाने के लिए किया हूँ, कि जैसे एक रिंग टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि पहले, सबसे पहले कौन सा रिंग टूटेगा, तो सबसे पहले ये रिंग टूटेगा, इसी को रिप्लेस कर दिए एज ए ब्लॉक, ये जो रॉड को रिप्लेस कर दिए एज ए ब्लॉक, ठीक है। तो इस टी इक्वल टू एम जी हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो पहले इतना नोट कर लो, इसको बना लो, हाँ, इसी को मैंने इक्विवेलेंट कर दिया, इसी चीज़ को ये रॉड मान लिया हमने,
और एम जी हो जाएगा, और एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो ए इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स कितना आ गया, टेंशन कितना हो गया, रो ए एल, और एरिया कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इससे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये तुम्हारा गिवन है, स्ट्रेस गिवन है, देखो 10^9, तो एल इजक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डेंसिटी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 7.8 × 10^9 कितना हो जाएगा, 9, और इसका डेंसिटी बताओ कितना, 7.8 × 10^3 इतना आ जाएगा, तो एल इजक्वल टू अब करके देखो कितना आ रहा है। अच्छा मैं बता रहा हूँ इसका लेंथ कितना गिवन है, 10^5 मीटर, तो केवी मीटर, एक चीज़ छूट गया मेरा, यहाँ पे जी भी तो होगा, जी भी वो तो होगा, ठीक है, तो और कम हो जाएगा या जी इंटू टेन करो, 10^5 आ रहा है देखो, हाँ तो बस आंसर उतना ही बना, 10^5। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, और ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है इस टाइप से क्वेश्चन, बताओ समझ में नहीं आया तो आ गया समझ में। इसी रॉड को हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे कोई मास नहीं, इसी रॉड को हमने ऐसे रिप्लेस किया हुआ है, हो गया, और एल इजकल टू 10^5 मीटर आ गया आंसर है, तो इजी कैलकुलेशन था। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है रबड़ वाला, बोल तुम लोग खुद करना, क्या कराया था, क्या नहीं करवाया था, तो चलो चलो इसको कर लेते हैं, जो कुछ ज़्यादा नहीं है, सेम क्वेश्चन यही है दिया हुआ है, ए रबर स्ट्रिंग लेंथ 10 मीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट एट इट्स वन एंड, यानी कि एक रबर रॉड है, इसको ऐसे सस्पेंड किया हुआ है, इसका लेंथ गिवन है एल, नॉट गिवन है, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इसमें इलोंगेशन कितना होगा, तो इलोंगेशन का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ तो डेल्टा एल, तो योंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखाया था, एफ एल नॉट अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं टेंशन, ठीक, एफ टेंशन ही होता है, तो एल नॉट और अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, चाहे इसको हटाओ, एल नॉट और ए इंटू डेल्टा एल लिख सकते हैं, तो डेल्टा एल और वाई को इंटरचेंज कर दो, तो डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा टेंशन एल नॉट अपॉन में ए इंटू वाई, ठीक है, बस यही पुट करना है। अब एल नॉट तो गिवन है 10 मीटर, यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, देखो डेंसिटी गिवन है, और यंग्स मॉडुलस गिवन है, जी गिवन है, ठीक है, तो टेंशन क्या होगा, एम जी के इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो टेंशन होगा मैक्सिमम यहीं पे होगा, वो क्या होगा, एम जी के इक्वल टू हो जाएगा, तो इसमें अब टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी, मास तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, मास इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेंसिटी
सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इंटू क्या कर देंगे, जी कर देंगे। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो डेल्टा एल इजकल टू हो जाएगा रो ए एल नॉट जी अपॉन इंटू एल नॉट और भी है एक और एल नॉट और ए क्या है ए इंटू योंग्स मॉडुलस। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो आएगा वो तुम लोग सोल्व करो। और सब कुछ गिवन है इसमें। जहां पे भी डेंसिटी गिवन है यानी कि कहां पे लिख दिया डेल्टा एल है, ये है तुम्हारा डेल्टा एल। अब इतना तो तुम लोग समझदार हो ही गए हो। अब वो सब कुछ गिवन है इसमें, अब पुट करके अब सोल्व कर लो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी हमने जो कराया इसमें एक क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था दो वायर वाला, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आ सकता है। उसके बाद में एक ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला कराया, ये भी आ सकता है। और अभी जो मैं करा रहा हूँ वो भी आ सकता है। और एक क्वेश्चन है ह्यूमन पिरामिड, वो भी आ सकता है। तो ऐसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 3 मिलीमीटर कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड स्टील वायर 1.6 मीटर स्ट्रेचेज अंडर ए लोड बाई 0.7 mm। ये भी तो लगता है कि शायद मैं कराया था नहीं, अच्छा लगता है कि वहाँ पे मैं कराया। अच्छा लगता है नहीं कराया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं तो लगता है डीसी चौक पे मैं कराया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट द लोड, लोड निकालना है हमको, बताओ कैसे निकालेंगे। अभी जो थर्ड क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन ही है, दिया हुआ है ए कंपोजिट वायर यूनिफॉर्म डायमीटर गिवन कंसिस्टिंग कॉपर वायर ऑफ लेंथ, जैसे मान लो कि ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा कॉपर है और नीचे में स्टील है। इसका भी कुछ सिंबल होता है क्या, स्टील का कोई सिंबल होता है स्टील का? नहीं। अच्छा तो स्टील ही लिख देता हूँ। ठीक है तो जैसे कॉपर का सी यू होता है ना, सोडियम का एन ए होता है, तो इसका भी कुछ नहीं होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो देखो इसमें दिया हुआ है यूनिफॉर्म डायमीटर गिवन है, दोनों का लेंथ गिवन है, इसका लेंथ गिवन है 2.2 मीटर और इसका लेंथ है 1.6 मीटर। ठीक है, और इसमें एक गिवन लोड है, यहाँ पे कोनो लोड लगा दिया, मान लो किसका है कैपिटल एम जी, मान लो यही है। और दोनों में जो इलोंगेशन हो रहा है उसका सम कितना है 0.7। जैसे मान लो कि इसमें डेल्टा L1 इलोंगेशन हो रहा है, इसमें डेल्टा L2 हो रहा है, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इक्वल टू 7 मिलीमीटर है, यानी कि तुम ऐसे लिख दो इक्वल टू 7 × 10⁻⁴। तब एम जी निकालना है यानी कि वेट निकालना है। तुम लोग थोड़ा अपने से ट्राई करो कि फोर्स कितना लगेगा इस पर, ये तुमको निकालना है। और दोनों का डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है, जो रेडियस गिवन है वो है 1.5 मिलीमीटर। थर्ड क्वेश्चन जो कराया था सेम उसी टाइप से,
देखो इस रॉड का मास नहीं गिवन है, डेंसिटी नहीं गिवन है, दैट मीन्स ये रॉड क्या होगा, हम लाइट लेंगे, ठीक है। इसमें तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा, सभी में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम पहले लिखेंगे फॉर कॉपर, फॉर कॉपर, और डेल्टा एल वन इक्वल टू हम लिख देंगे टी एल कॉपर अपॉन में ए कॉपर इंटू वाई कॉपर, ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा ना, उसी को रीअरेंज कर दिया। अच्छा तो इसमें तो जस्ट एम जी लिख लेते हैं, या फोर्स ले लो, एफ ही ले लो। यहाँ पे मान लो कि इधर की ओर फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ ले लेते हैं इंटू कितना हो जाएगा 2.2 मीटर में है, और इसका है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस ऑफ क्या करो सी कर दो, या ऐसे ही कर दो, ऐसे ही बस। डेल्टा फॉर लिखो फॉर स्टील, डेल्टा एल टू इक्वल टू हम लिखेंगे टी एल स्टील अपॉन में ए स्टील यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा तो डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू कर दो, दोनों को ऐड कर दो, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, टी कॉमन आ जाएगा, ए भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का क्या है, सेम है। तो इसमें हम कर देते हैं, क्योंकि ए सी इक्वल टू कितना गिवन है, ए एस गिवन है, तो टी अपॉन में ए कॉमन ले लो, और ए हो जाएगा क्या, एल सी अपॉन में वाई सी प्लस एल एस अपॉन में वाई एस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछो। अच्छा ये तो गिवन है, दोनों गिवन है, हमको क्या निकालना है, ये टेंशन निकालना है, फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे जल्दी बताओ, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है। हाँ हाँ तो देखो वो गिवन है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, दोनों में जो नेट इलोंगेशन गिवन है वो गिवन है, ऐसा क्वेश्चन पढ़े हो। हाँ मिलीमीटर, तो स्ट्रेच दोनों में ऐसे तो नहीं गिवन है कि सिर्फ इसमें स्ट्रेच है, दोनों टोटल इलोंगेशन गिवन है, टोटल स्ट्रेचेज गिवन है। इसमें मान लो कि डेल्टा एल वन, इसमें डेल्टा एल टू, तो ऐसे निकाल दिया। अब हमको ये टी निकालना है, तो अब क्या करेंगे, जैसे अब ए को इधर कर देते हैं, तो ए डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू इजक्वल टू टी इंटू दिस, ठीक है। तो टी इजक्वल टू हम कर देंगे, तो क्या करेंगे, ए डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू अपॉन, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एल सी अपॉन में वाई सी प्लस एल एस अपॉन में वाई एस, और आफ्टर सॉल्विंग जो भी आ जाएगा इसको न्यूटन लिख देंगे। हमने पैरामीटर में बना दिया, वैल्यू सब गिवन है, पुट करो, पूछो अगर कोई डाउट्स हो तो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम बताओ क्या। कुछ नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला का मैं यूज कर रहा हूँ, यंग्स मॉडुलस निकालना है, डेल्टा एल निकालना है, हमने डेल्टा एल दोनों के चलते निकाल के ऐड कर दिया, ये डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू गिवन है। तो कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, अच्छा पहले ये तो कंप्लीट तो होने दो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिरामिड वाला है ये क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन देखो, नहीं 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 इसी में इसी और आगे करो। हाँ देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है वो, और रिमेनिंग तुम लोग अपने घर से ट्राई करना, और ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार रीड करो, एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी की एग्जांपल है, उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे चलो इसमें यहाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन पेज नंबर 25 और एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी वो तो देखो, एनसीईआरटी में देखो ना फिगर कहाँ पे दी गिवन है। और पीछे करो, हाँ देखो वहीं पे, वहीं पे देखो फिगर, पेज नंबर बता दो कितना है, 236। बता दो एनसीईआरटी बता, फर्स्ट निकालो ना चैप्टर वन में देखो, वो उसमें थोड़ा आ गया धुंधला वो नहीं देखो। अच्छा ये बताओ सुनो, एक चीज मुझे बता दो, ऐसे कुछ सिस्टम है, ऐसा कुछ है इसका मान लो कि मास एम है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस दोनों में टेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? जैसे मान लो कि ये चेयर है, ठीक है, इसमें कितने लेग्स हैं, चार लेग्स हैं। मान लो कि इस पर हमने 10 kg का वेट रख दिया, एकदम बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे रखा 10 kg का, तो नीचे की ओर mg लगेगा, कितना लगेगा mg, 100। तो ऊपर की ओर फोर्स कौन लगाएगा, इस पर चारों लगाएंगे, तो चारों नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, तो चारों सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। तो सभी कितना कितना लगाएगा, कितना 25 लगाएगा, ठीक है। यही सिचुएशन इसमें है, देखो ये परफॉर्मर गिवन है, बहुत सारा है ऊपर देख चढ़ा हुआ है देखो, और उसके बाद यही फर्स्ट इसका यही चैप्टर है देखो, और तुम फर्स्ट बुक लेकर चले आए हो, सेकंड बुक में है। अब फिगर देख लिए, समझ में आ गया? तो देखो इसमें ये क्वेश्चन है कि जैसे अब उतना तो हम बनाएंगे नहीं, ऐसा कुछ है और इस पे वेट रखा गया है, और इसमें कितना क्या होगा, इसके लेंथ में कितना डिक्रीज होगा, यही हमको फाइंड करना है। क्या क्या चीज बोलो, हाँ ये दोनों सेम है, और इसका मास मान लो कि कैपिटल एम है, इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन कहा गया है देखो। क्या फिगर में देखो ना, वो छोड़ो, तुम ये समझ लो ये चीज है, ये समझ लो ये चीज दिया हुआ है, दिया हुआ है इन ए ह्यूमन पिरामिड इन ए सर्कस द इंटायर वेट ऑफ द बैलेंस ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ ए परफॉर्मर हु इज लेइंग ऑन हिज बैक शोन इन फिगर, द कंबाइंड वेट ऑफ ऑल द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट एंड द टेबल प्लैक्स जो भी है वो कितना है, 280 kg। द मास ऑफ परफॉर्मिंग लेइंग ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज 60 kg, टोटल वेट कितना है, 280। तो इसका इसका वेट प्लस इसका वेट कितना है, 280 है, यानी कि इसका मास मान लो कि कैपिटल एम है और इस दोनों का मास मान लो कि स्मॉल एम है, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू कितना की बने, 280 kg की बने। और जो पर तो हाँ, तो एक ही पर्सन नीचे है, तो उस पर्सन को अब देखो देखो उसका टू लेग्स पे सपोर्ट कर रहा है, दोनों लेग्स में बनाया हूँ इसको, हाँ तो इसीलिए देखो वहाँ पे, ठीक है, सपोर्टेड बाई टू लेग्स, तो ये दोनों अब उतना बनाएंगे तो कलाकारी तो उतना होगा नहीं, ठीक है, ये लेग्स है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो इसका अभी मैं बता रहा हूँ, इस दोनों का कंबाइंड मास कितना है, 280 है, और ए स्मॉल एम गिवन है 60, यानी कि जो यहाँ पे है नीचे उसका 60, तो कैपिटल एम कितना हो जाएगा, 220 kg, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा अब इस पे ए भी ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स एन लगाएगा, और ए भी ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स एन लगाएगा, और ये नीचे की ओर कितना लगाएगा,
कैपिटल एम जी, अभी इस एम जी को हटा दो, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, टू एन इजकल टू एम जी, दैट मीन्स एन इजकल टू कितना हो जाएगा एम जी बाई टू, और एम जी कितना है 220 इंटू 10 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 1100 न्यूटन। इतना एन वन कर दो, एन वन कर दो, ठीक है, एन वन इतना लगाएगा, ठीक है। यानी कि एक उसके लेग्स पे जैसे ए मान लो कि ऐसे है, तो इस पे कंप्रेसिव फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा। तो इसके इसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा बताओ, इसका लेंथ है क्यों क्या, नॉर्मल लगा रहा है तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ना, हमने जो कंप्रेसिव फोर्स लगाया था उस समय भी तो एक्सेलरेशन नहीं था उसका, तो उसमें क्या कंप्रेशन नहीं हो रहा था, हमने जो पढ़ाया था स्ट्रेस के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए याद है, हमने ऐसे बताया था इसका लेंथ एल नॉट था, और हमने ये बताया था कि जब इस पर हमने फोर्स लगाना शुरू कर दिया ऐसे और ऐसे, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा एल नॉट माइनस डेल्टा एल, याद है, यही बताया था। तो इसमें ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, नीचे से भी इक्वल फोर्स लग रहा है, जो ग्राउंड लगाएगा इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, यानी कि इसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस पे अब मान लो कि इसको, अगर मान लो कि इसको हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए तो इसमें कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा थोड़ा सा मैं कर दूं तो ये फूट ही जाएगा, हाँ नहीं, दोनों में फोर्स, अगर जैसे मान लो कि कोई चीज़ है, अगर इसको मान लो कि जैसे रबर क्यों इलोंगेट होता है उसमें भी, तो रबर क्यों इलोंगेट होता है उसमें भी तो हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो उसमें भी तो नेट फोर्स जीरो है। तो अब ए इक्विलिब्रियम में तो है, तो इक्विलिब्रियम में है तो हमने एन वन प्लस एन टू, टू एन वन इक्वल टू एम जी कर दिया, एन वन निकाल दिया, यानी कि इस पर कितना कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और इस पर कितना कंप्रेसिव फोर्स, इसीलिए तो मैं चेयर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो इसका लेंथ में डिक्रीज होगा, होगा तो लेंथ में डिक्रीज होगा, तो यंग्स मॉडुलस का हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, एफ एल नॉट अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला लगा दो, एफ एल नॉट ए इंटू यंग्स मॉडुलस, और यहाँ पे फोर्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन वन हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स एन वन हो जाए तो होगा नहीं क्या, उसका बोन कंप्रेस होगा, तो देखो क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, तो डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड, ठीक है, तो जो परफॉर्मर है जो नीचे है वो समझ रहा होगा अपना, ठीक है, तो एन वन एल नॉट और इसको लिख दो पाई आर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस ऑफ बोन गिवन है, इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, क्या हाँ हाँ गिवन होगा इसमें, बुक में गिवन है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस के गिवन है, देखो इसमें जो टेबल गिवन है उसमें यंग्स मॉडुलस का होता है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, बोन का होता है 9 × 10⁻¹, यंग्स मॉडुलस ऑफ बोन लिखो 9 × 10⁻¹, अब सोल्व करो जल्दी, पहले कितना आ रहा है, इसमें जी की वैल्यू 9.8 लिया है तो उसमें वेरिएशन आ जाएगा, कोई बात नहीं चलो सोल्व करो, हाँ पूछो क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, हाँ सुनो सुनो, हमने कंप्रेस किया तो इसमें कंप्रेस जरूर हुआ, अब इतना कंप्रेस होगा 10⁻⁴ होगा तो ये हमको दिखेगा, पता चलेगा हमको, तो पता चलेगा जब ये यहाँ जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ इसमें कंप्रेस हुआ, क्या नहीं, बिल्कुल कम नहीं होगा, बिल्कुल कम नहीं, किसमें चेंज नहीं आएगा,
हाँ जैसे बोतल में है, इस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी इसमें तो कंप्रेशन अंदर भी वो 10 न्यूटन, बाहर भी वो 10 न्यूटन लग रहा लगा है, रहा है। तो कंप्रेशन की वजह से दोनों साइड 10 लग रहा है, इधर भी 10 लग रहा है। देखो जैसे इस पे भी तो, जैसे हमने इस पे भी तो दोनों फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसमें कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। और ऐसा गलत तो बुक में लिखा नहीं गया है, होता है, लेकिन 10^-4, 10^-6 वो दिखेगा हमको? हमको तो दिखेगा कि जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो हमको दिखेगा। तो अब इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू। N1 गिवेन है तुम्हारा 1100, और बुक में कुछ अलग गिवेन है क्योंकि वहाँ पर 9.8 लिया हुआ है, ठीक है, और सब कुछ इसमें गिवेन है, सभी डाटा गिवेन है। देखो, ईच बोन परफॉर्मर लेंथ गिवेन है 50 सेंटीमीटर, यानी कि L0 कितना गिवेन है? 0.5, तो 0.5 कर दो, और पाई की वैल्यू 3.14 कर दो, और रेडियस देखो गिवेन है, इफेक्टिव रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10^2 कितना कर दो? -2 का स्क्वायर कर दो, और ये हो गया 9 × 10^9 कर दो। अब इसको सोल्व कर दो, देखो कितना लेंथ में कम आएगा, देखो वो कितना आ जाएगा 10^2, और इसमें लेंथ में जो आ रहा है वो तो आ रहा है, अब इसको तुम सोल्व करो। इसका आंसर करके बताओ, 4.5 × 10^5 मीटर, समझ रही हो कितना कम आया? 4.5 × 10^5 मीटर, हाँ इतना कंप्रेस हुआ। 10^5 समझते हो ना कितना होता है? बहुत कम, तो पता चलेगा हमको। सोल्व करो, कैलकुलेटर है तो सोल्व करो। सही होगा 4.5। हाँ 4.5 आंसर गिवेन है, × 10^5। चलो ठीक है, तो इस पे समझ लिए क्वेश्चन। अब हमने दूसरा कौन सा मॉडुलस पढ़ाया था? बल्क मॉडुलस पढ़ाया था, और बल्क मॉडुलस की इक्वल टू क्या पढ़ाया था बताओ? तो तुम लोग बस फिजिक्स यहाँ से पढ़ के गए, फिर यहीं पे आए तो शुरू किए बुक खोले, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा। मेरे तो 3 क्लास में तो कुछ रिवाइज नहीं कर पाई, तो मैं चैप्टर आ गया फिर ना, नहीं ये तो वाले में आज नहीं तो कल तो करना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, बस फॉर्मूला ही देखो। मॉडुलस में एक हमने पढ़ाया था यंग्स मॉडुलस, हाँ तो वही क्या? अच्छा वही सब चीज़ मैं फिर से पढ़ा दिया, ठीक है। हमने 3 मॉडुलस पढ़ाया था, एक यंग्स मॉडुलस पढ़ाया था जिस पे हमने क्वेश्चन करा दिया, अब दूसरा हमने पढ़ाया था बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है बताओ? हाँ बी देखो, अगर जिसे मान लो कि कोई एक ऐसा है, अब इसमें भी तुम लोग कहोगे कि नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, इसका रेडियस मान लो कि कुछ भी आर है, ठीक है, इसको हमने सी में रख दिया, 5 किलोमीटर नीचे सी में रख दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर क्या होगा? चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर पड़ेगा तो इसका लेंथ कुछ हो जाएगा कम, और इस साइड से सभी जगह से प्रेशर पड़ेगा, तो इसका मान लो कि वॉल्यूम वी नॉट है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वी माइनस डेल्टा वी, ऐसे हो जाएगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो इस केस में हम लिखेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस इक्वल टू, वो तो सिंपल ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स जो चारों तरफ लग रहा है, और एरिया इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और हाइड्रोलिक स्ट्रेन क्या क्या होता है, या वॉल्यूम स्ट्रेन,
डेल्टा वी नॉट, सॉरी डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट, इतना ही हो जाएगा। और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा विथ निगेटिव साइन, पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट। निगेटिव साइन क्यों लगाया? प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो प्रेशर तो पॉजिटिव हो जाएगा इंक्रीज करेंगे तो, लेकिन वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। अब इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक और मैं बता दूं कि प्रेशर, जैसे प्रेशर जैसे जैसे मान लो कि सी में अंदर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है। और उसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम आगे पढ़ाएंगे हाइड्रोस्टेटिक्स में। जैसे मान लो कि ये वाटर भर, इतना वाटर है ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर पी है, तो ए हाइट तुम्हारा मान लो कि एच है, तो यहाँ पे पी का फॉर्मूला हो जाएगा रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को हम याद करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सी के अंदर? रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, और जी तो जानती ही हो, और एच हाइट। वन ओ गिवन रहेगा, थाउजेंड होता है, थाउजेंड केजी पर मीटर क्यूब होता है, और जी 9.8 या 10, और एच कितना बिलो हमको प्रेशर चाहिए, कितना बिलो ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं इसमें यूज करूँगा। अब इसके बाद में एक सीयर मॉडुलस है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या ये चैप्टर कुछ है ही नहीं, यही दो तीन फॉर्मूला है। अब एकदम अगर माइंड बंद कर लो तो फिर तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल दो तीन फॉर्मूला है। मॉडुलस एक यंग्स मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस, एक सीयर मॉडुलस है। सीयर स्ट्रेस हमने पढ़ाया था क्या होता है ओ, और सीयर स्ट्रेस अपॉन में सीयर स्ट्रेन क्या हो जाएगा? सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सीयर मॉडुलस। बस यही चैप्टर है। डेल्टा एल निकालो, डेल्टा भी निकालो, चेंज इन वॉल्यूम निकालो, यही सब चीज़ है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो। तो अब इसका क्वेश्चन बुकलेट का देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। द प्रेशर ऑफ ए मीडियम इज चेंज फ्रॉम इतना गिवन इतना टू इतना, द चेंज इन वॉल्यूम इज इतना, बल्क मॉडुलस निकालना है। देखो प्रेशर चेंज हो रहा है तो डेल्टा पी, जैसे पी ये कुछ चेंज नंबर बता दो 28 चेंज नंबर 28 पे है बुकलेट के। तो देखो इसमें दिया हुआ है बल्क मॉडुलस का हमने फॉर्मूला क्या लिखाया? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट, यही लिखाया था हमने। अब पी है, पी या डेल्टा पी ठीक है। प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, अभी मैंने बताया था। या वी ए भी फॉर्मूला है इसका, माइनस पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट, ए भी फॉर्मूला है ठीक है। तो इसमें गिवन है प्रेशर ऑफ द मीडियम चेंज फ्रॉम इतना टू इतना, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा? डेल्टा पी हो जाएगा 1.165 माइनस 1.01 इंटू 10^5। अच्छा चेंज इन वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, तो क्या गिवन है? 10%। चेंज इन वॉल्यूम 10%, इसका मीनिंग क्या हुआ? डेल्टा भी, तो डेल्टा भी अपॉन में भी इज इक्वल टू 10/100, ये गिवन है। भी नॉट इतना गिवन है, तो कितना हो जाएगा? 1/10 दैट इज 0.1। और डेल्टा पी आ गया, बल्क मॉडुलस हमको निकालना है ठीक है। तो पुट करो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करके बताओ, 10^5 ही ले लो, 10^5, और ये कितना हो जाएगा? 0.1, तो कितना हो जाएगा? 10^6, और इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी आंसर इतना ही हो जाएगा। और इसमें आंसर में गिवन है
इसी के आसपास गिवेन है, 1.35 इंटू 10^6, तो हमारा इतना बस इतना कर दो हो गया। अभी हमने बताया कि इसको इंक्रीज किए पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, बल्क मॉडल्स कभी निगेटिव नहीं आता है, ठीक है। ठंडा लग रहा है अच्छा, इसलिए इसलिए मैं तो इस साइड हूँ। तबीयत ठीक हो जाता है फिर तबीयत खराब हो जाता है, फिर एसी में रहता हूँ फिर तबीयत खराब हो जाता है। अब सवेरे जैसे अभी क्लास हो रहा था वहाँ पर डीसी चौक पे, वो बच्चा सब बोला है कि सर हमको तो गर्मी लग रहा है, हमको तो गर्मी लग रहा है, हम कहे चलो चला दो, अब देखो फिर गला मेरा खराब होने लगा, ठीक हो जा रहा है। चलो ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द दिया हुआ है द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, यानी कि एच इज इक्वल टू गिवन है 3 × 10^3 मीटर, इतना गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी निकालना है, वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन गिवन द बल्क मॉडुलस, इसका बल्क मॉडुलस जो गिवन है वो गिवन है 2.2 × 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमको क्या फाइंड करना है डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू वाट, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हाँ तो प्रेशर का जैसे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला भी हमने लिखा है पी डेल्टा वी बाई वी विथ निगेटिव साइन, ठीक है, तो इसको हम इधर करेंगे डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट कर दो, वी नॉट कर दो, वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस पी अपॉन में बल्क मॉडुलस, बता दो ये सर लो। अच्छा पी का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था रो जी एच, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस कर दो रो जी एच अपॉन में बल्क मॉडुलस, रो कितना होता है 10^3, याद रखना है वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 किस में होता है ग्राम पर सेंटीमीटर का, हमको ये सही में लेना है तब तो इसका यूनिट आएगा, ये भी तो ये सही में दिया हुआ है, तो 1000 kg/m³, तो इसको हम 10^ क्या करेंगे 3 कर देंगे और एक कर देंगे 9.8 और ये है 3 × 10^3 और बल्क मॉडुलस गिवन है 2.2 × 10^9 और आफ्टर सॉल्विंग इसका यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिटलेस है, अगर परसेंटेज होता तो क्या करते हैं इंटू 100 कर देते हैं, रो डेंसिटी वाटर का 10^3 होता है तो नोन है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10^3 kg/m³, नोन है। ठीक है तो इसके बाद में तुम लोग सॉल्व कर लेना और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें भी तुम लोग कहोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये सेंसलेस क्यों है, कुछ ना कुछ तो कंट्रैक्शन, देखो जैसे ये है इसको हमने इस पे रख दिया, इस पे हमने रख दिया तो इसमें भी कुछ डिफॉर्मेशन होगा, एक नहीं उसमें जैसे सुनो कंप्रेस हुआ, जब तुम एक्सटर्नल फोर्स वो इलास्टिक है, जब हम कंप्रेस एक्सटर्नल फोर्स लिख लिए तो फिर से अपने शेप साइज को गेन कर लिया, चेयर तो स्टील जैसे इस पे बैठे ऐसे होगा फिर ऐसे हो गया, जब जैसे मान लो कि हमने कंप्रेस किया फोर्स लगा के, जब एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, हमने जो भी किया अभी विद इन इलास्टिक लिमिट है, जितना भी हम कर रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट हम कर रहे हैं, हुक्स लॉ हमने क्या बताया था यही था, हमने ये बताया था कि अंडर द इलास्टिक लिमिट और फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन,
यानी कि इस पे हमने फोर्स लगाया, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, जैसे ही हमने फोर्स हटा लिया तो फिर से जैसे मान लो कि इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे इसमें कुछ इलोंगेशन हुआ, हमने फोर्स हटा लिया फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। उस लिमिट की बात कर रहे हैं, उस लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला ही होल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद करो। ये गिवन है, देखो ये गिवन है कि ए स्फीयर कंट्रैक्ट इन वॉल्यूम बाय 0.01%। क्या गिवन है? डेल्टा वी बाय वी। तो इसमें गिवन है डेल्टा वी बाय वी नॉट इज इक्वल टू कितना गिवन है बताना है? 0.01%। तो परसेंट का मीनिंग क्या होगा? 1/100। क्या परसेंट का मीनिंग क्या होता है? 1/100 होता है ना, एक्स परसेंट, 30 का एक्स परसेंट, तो इतना हो जाएगा। और इसमें देखो गिवन है, अच्छा बॉटम ऑफ द सी 1 किलोमीटर, एच गिवन, पहले देखो कितना लिखा हुआ है इसमें, सुनो तो परसेंट गिवन है, तो परसेंट क्या लिखते हैं, परसेंट कैसे लिखते हैं? 100 दिया, जैसे 20 का एक्स परसेंट तो क्या लिखते हैं? 20 × x/100 करते हैं ना, अपॉन में 100 कर, हाँ हाँ तो अच्छा, 10th करके अभी आए हो तुम लोग क्या? अब जैसे सुनो, जैसे मैं बोलूँ कि 2%, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2/100 ही लिखेंगे। चलो ठीक है, और एच गिवन है 1 किलोमीटर, तो 10^10 कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमको निकालना क्या है? बल्क मॉडुलस निकालना है, तो निकालो। सी वाटर गिवन है, हमको बल्क मॉडुलस निकालना है, तो बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला अभी हमने लिखाया था? प्रेशर अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट, यही बताया था हमने। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? एम रो जी एच, रो जी एच और प्लस कर दो इसको, अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट। रो गिवन है 10^3 और जी है 9.8 और हाइट है 10^3 और डेल्टा वी बाई वी है कितना है? 0.01 और इंटू क्या हो जाएगा? 100। अब इसके सोल्व करने के बाद में इसका यूनिट क्या आएगा? क्या था यूनिट? कोई भी मॉडुलस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद में एक है सीयर मॉडुलस। अच्छा चलो ठीक है, आज कौन सा डे हो गया? वेडनेसडे हो गया, फ्राइडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो संडे को मैं हर संडे